नमस्कार, मैं विवेक और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़। दोस्तों, जीवन और मृत्यु देना भगवान का काम होता है। कहते हैं उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और समाज में भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर उसी जीवन को बचाने के लिए होते हैं। लेकिन क्या हो अगर डॉक्टरों को ही कानून के तहत इसकी इजाज़त दे दी जाए कि वो किसी का जीवन समाप्त कर सकते हैं। और हाँ, ऐसा सही में हुआ है। नीदरलैंड की डच सरकार ने डॉक्टरों को सामान्य रूप से बीमार बच्चों को मारने की इजाज़त दे दी है। मतलब अब डॉक्टर चिकित्सक सहायता से किसी भी बच्चे को खत्म कर सकते हैं यदि वो असहनीय और पीड़ा से ग्रसित है तो। नीदरलैंड की सरकार के इस फैसले के बाद चिकित्सक क्षेत्र में एक बहस छिड़ गई है। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि डॉक्टरों का काम है जीवन को बचाना, लेकिन नीदरलैंड में तो ठीक इसका उल्टा ही हो रहा है। वहां के डॉक्टरों को ही बच्चों को मारने का प्रावधान पारित कर दिया गया है। नीदरलैंड की सरकार हमेशा से ही बीमार बच्चों को मारने के पक्षधर में रही है। नीदरलैंड की सरकार का कहना है कि वो बच्चे जो असहनीय पीड़ा से ग्रसित हैं या ऐसी लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं जिनके ठीक होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, उनको खत्म कर देना चाहिए। नीदरलैंड की सरकार ने अब चिकित्सा सहायता से 12 साल से कम बच्चों को मारने का प्रावधान दे दिया है, लेकिन इसके लिए बच्चों के माता पिता की सहमति होना आवश्यक है। नीदरलैंड सरकार का यह भी कहना है कि सालाना 5 से 10 बच्चे इससे प्रभावित होते हैं जिनको चिकित्सा की सहायता से मौत दी जाती है। नीदरलैंड में मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में 12 साल के आयु के बच्चों को भी इस प्रावधान में शामिल करने की बात कही गई है, क्योंकि डॉक्टरों का ये कहना था कि उन्हें बच्चों को मौत देने के लिए अपराधी ठहराया जा सकता है। और अब नीदरलैंड में वर्तमान कानून के तहत डॉक्टर 12 साल तक के बच्चे को चिकित्सा सहायता से मौत दे सकता है और 1 साल से कम बच्चे को भी मौत दे सकता है, लेकिन इसके लिए उसके माता पिता की सहमति होना आवश्यक है। दोस्तों, अकेला विश्व में नीदरलैंड ही एक ऐसा देश नहीं है जो इस तरह की मृत्यु का प्रावधान देता है। विश्व में और भी कई सारे देश हैं जिसमें लक्जमबर्ग, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। वहां पर भी गंभीर रूप से बीमार लोगों को मारने का प्रावधान है, वो भी चिकित्सा सहायता से। नीदरलैंड के इस कानून में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।